मसूरी से देहरादून जाती हुई उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए। बस में सवार 40 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। ऐसे में बस चालक ने सूझबूझ से काम लिया और बस को एक पहाड़ी मार्ग पर चढ़ा के रोक लिया। मसूरी से बस मात्र 50 मीटर आगे बढ़ी होगी कि बस के ब्रेक फेल हो गए। चालक की सूझबूझ से बस को पहाड़ी पर संपर्क मार्ग पर चढ़ाकर बस में मौजूद यात्रियों की जान बचाई गई। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। यदि बस चालक सूझबूझ का परिचय नहीं देता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। उत्तराखंड परिवहन द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग पर पुरानी बसों का संचालन किया जाता है। इससे पूर्व भी कई बार बस के ब्रेक फेल हो चुके हैं और परिवहन विभाग अब तक नींद से नहीं जागा है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वहीं पर्यटकों की जान से भी खेला जा रहा है। ऐसा लगता है उत्तराखंड परिवहन निगम कुंभकर्ण की नींद में है और किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। इसका ब्रेक प्रेशर लीक हो रहा है मेरे ख्याल से, और इसका पैडल अंदर घुस गया। मैंने जैसे देखा कि गाड़ी का पैडल अंदर घुस गया, तो मैं गाड़ी को गियर डाउन करके और मैंने गाड़ी को ऊपर पहाड़ी में मारा है। वो तो शुक्र करो कि इस जगह पे थोड़ी सी मुझे जगह मिल गई, मैं तो ये गाड़ी यहीं नीचे खाई में जाती है अभी। और गाड़ियों के जो आगे से जाम लग रहा था, उन गाड़ियों के ऊपर गाड़ी ठुक जाती। और जैसे ही बस थोड़ा सा मसूरी से 100-200 मीटर नीचे आई और एकदम से जो है पैडल, मतलब प्रेशर पूरा लूज हुआ, पैडल पूरा नीचे चले गया गाड़ी का अचानक से। तो ड्राइवर ने जो है गाड़ी को पहाड़ की तरफ में बचाने के लिए जो है पहाड़ वाली साइड पे ही थी गाड़ी, और पहाड़ की तरफ में लगा दी गाड़ी रोकने के लिए गाड़ी को थोड़ा सा जो है एक स्लोप जैसी चीज में चढ़ाई, तब जाके गाड़ी रुकी है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।